मामला सदर कोतवाली के भटौनी इलाके का है, जहां पर कोर्ट में तारीख कर लौट रहे दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से लोगों ने जूते चप्पलों से एक दूसरे की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान राहगीरों ने मारपीट की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और अब बात खातून पर मौलाना के जुल्म की कर लेते हैं। अगली खबर अमरोहा के गजरौला से बता रहे हैं, जहां पर एक मौलाना ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपी की महिला की बेटी जीने से गिर गई थी और इस बात पर झल्लाए मौलाना ने बेरहमी से पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के इस वाक्य को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और तस्वीरों में मौलाना अपनी पत्नी की पिटाई के बाद उसे सड़क पर घसीटता नजर आ रहा है। इस दौरान महिला को बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मौलाना ने किसी की बात सुनी नहीं। गंभीर रूप से घायल आयशा को पड़ोसियों की मदद से परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल अभी तक पुलिस की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे मैं बेहोश हो गई थी, उठा के मुझे ये भी ना पता चला मेरे घर वाले कब लेकर आए हैं। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले लेकर आए, बेहिसाब मारा था। मुझे बहुत ही मुश्किल से मेरी जान बचाई, घर वालों ने बचाया। जब पुलिस वाले देख कर आए वो थे ही नहीं घर पे, जब से लापता हूँ उनका कुछ पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, ना फोन ना कोई ना फोन आया ना कुछ पता ही नहीं चल रहा उनका कहाँ। मार पीट के मुझे निकल गए यहाँ से घर से। और अब बात मानसिक बीमार कौन की कर लेते हैं, क्योंकि देखिए झांसी में मारपीट के हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां पर नवाबाद थाना इलाके में कुछ दबंगों ने एक मानसिक विक्षिप्त की बेरहमी से पिटाई कर दी और इस दौरान शख्स के साथ मौजूदा महिला रहम की गुहार लगाती रह गई, लेकिन दबंगों ने उसकी एक न सुनी। मारपीट की वारदात पुलिस थाने से महज चंद कदमों की दूरी की है, लेकिन मारपीट करने वालों में पुलिस का खौफ भी नजर नहीं आया। हालांकि मौके पर भीड़ जमा होता देख दबंग वहां से फरार हो गए। मारपीट की तस्वीरें एक राहगीर ने अपने कैमरे में कैद कर ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो देखिए महिला गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रहम की भीख उससे नहीं मिली। पुलिस थाने के करीब कुछ ही दूरी पर यह दबंगों की दबंगई का पूरा मामला। और अब बात शादी में बंदूकबाज बाराती की कर लेते हैं। खबर जौनपुर से, शादी समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। घटना का वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना महाराजगंज इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हर्ष फायरिंग पर बैन होने के बावजूद भी कैसे हर्ष फायरिंग युवक कर रहे हैं और कितने खुश नजर आ रहे हैं कानून की अवहेलना करके, ये भी देखिए कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हैं युवक। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता नजर आ रहा है। अब इस पर बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई कब तक होती है। वही के तीन